किसने नहीं देखी, कमेंट्स में अटेंडेंस लगा दो। मैंने नहीं देखी अब तक, पता है क्यों? मम्मी एनिमल देखने चलोगी मेरे साथ? देखने जाना है, मेरे पास तो है, रुक दिखाती हूँ। मम्मी के पास कहाँ से आ गई इतनी जल्दी? व्हाट्सएप पे ये भी होने लगा क्या? ये ले, ये क्या? शीशा है, देख एनिमल उसमें। हाँ तो इसमें कैसे देखूं? अरे खुद को देख सुअर, तुझसे बड़ा एनिमल कोई है क्या दुनिया में? शांति से अनुपमा भी नहीं देखने देते। चली गया होगा क्यों घोड़ी पे सवार है बलमा? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो गाइस ये है तृप्ति डिमरी भाभी 2, जिनके पीछे बच्चे लार चुआते फिर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मूवी में सेक्स सूप्स वाला सीन देख लिया है। मुझे तो ये कला में भी उतनी ही सुंदर लगी थी, उसमें भी एक बिल्लो जाग वाला सीन था, लेकिन मुझे ये बुलबुल में भी उतनी ही सुंदर लगी थी। बुलबुल में तो मतलब आए हाय, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और लैला मजनू में भी सुंदर लगी थी, लेकिन बच्चों को अभी सुंदर लग रही है। इनके जो पिछले 3 मूवीज थे वो मतलब अगर एंटरटेनमेंट पर्पस से देखा जाए तो मतलब 10/10 गूज़बम्प्स आ जाते हैं बुलबुल देख के। भाभी 1 भी है जो है रश्मिका मंदाना। आइए देखते हैं, मजा आएगा यार। कह रही है क्या बोल रही है? चोक में रोग है, आई विश यू डाई दैट। बिल्लो बगे बिल्ले आधा की करेंगी गाइस, ये बोल रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा एक्टिंग गंदा कर भी दिया तो डब तो ठीक से कर ही सकती थी। बात तो सही है। आई गिव अप ऑन द इंडस्ट्री, यू शुड स्टॉप एक्टिंग। एक सेकंड, स्टॉप एक्टिंग मतलब व्हेन डिड यू स्टार्ट? गाइस देखो ऐसे ना बहुत प्रिविलेज्ड एक्टर्स हो गए हैं अब अपनी इंडस्ट्री में। कुछ आउटसाइडर्स भी हैं और बहुत सारे इनसाइडर्स भी हैं जिनको अच्छी स्टोरी की वजह से लोग अच्छा एक्टर मानने लगे हैं, बाकी एक्टिंग वो घटिया ही करते हैं। उनमें से एक रश्मिका मंदाना जी भी आती हैं। सीतारामम में सबसे घटिया एक्टिंग इसी ने करी थी। बॉबी देओल has always been liked in my family, even when he was गायब from the industry. Thanks. I think he acts really well. और मतलब looks wise भी देखा जाए तो काफी सारे actors से वो बहुत अच्छे दिखते हैं। लेकिन recently उनको भी लोग लॉर्ड का दर्जा दे चुके हैं क्योंकि उनके कुछ पास 2 सीरीज शायद 18 प्लस टाइप वाले थे, इसीलिए कोई एक्टर गंदा सीन करता हुआ दिख क्या जाता है, इन बच्चों को उनको बाप बना लेते हैं ये। If they are not so talented in, you know, in creating a story. In showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex to make their films work. वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा violence डालें, बहुत ज़्यादा sex डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी। आमिर खान खुद भी बहुत तगड़े एक्टर हैं, लेकिन उनकी इस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि ट्रेंड में नहीं है ना, ट्रेंड में है वायलेंस, सेक्स, सूक्स। इसीलिए लोग अचानक से रणबीर कपूर, तृप्ति डिमरी और बॉबी देओल के फैन हो गए हैं। देखो रणबीर कपूर हैज ऑलवेज एक्टेड ग्रेट एंड नोबडी कैन डिनाई दैट, लेकिन उनके भी कुछ फिल्म्स फ्लॉप रह चुके हैं पास्ट में। बात तो सही है। 10 मिनट के लिए मैं ईश्वर चंद बन के बहस करूं और आप आदित्य बन के। मेरा बेटा और तुम मेरे बाप। परफेक्ट। गेट आउट फ्रॉम हियर। जस्ट गेट आउट। पापा, ये मार धार खून खराबे से क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे पापा बीमार हैं, पर पापा मेरी बात तो इसे कह दो मुझे किसी से बात नहीं करना। ये अक्षय वाली फिल्म थी एक रिश्ता, सो दिस टाइम बॉलीवुड कॉपीड बॉलीवुड ऐसा लोग बोल रहे हैं, बट द ट्रूथ इज कि इससे पहले भी एक फिल्म बन चुकी थी किरथा कुड़ू 1986 में चिरंजीवी सर की। सो अल्टीमेटली बॉलीवुड अगेन कॉपीड तेलुगु इंडस्ट्री। तो इन शॉर्ट गाइस हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। आसान है क्या? क्या ऐसी मूवी बनाना जो 1000 crore कमाए? इट्स द मोस्ट अमीर फीलिंग इन द वर्ल्ड। मुझे बॉक्स ऑफिस फाड़ने के लिए करण जौहर की जरूरत नहीं। अगर बाजी स्क्रिप्ट की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसा? अगर जीत गए तो 1000 crore, और अगर हारे भी तो तुम्हारा मोए मोए। यार
जवान देखी मैंने कुछ दिन पहले ही, और उसमें मैंने देखा एस आर के का वो जो बाप वाले सीन्स थे ना, मतलब चुम्मी भाई। और उस फिल्म को देख के मेरे को ऐसी वाई भाई के जो डायरेक्टर होंगे वो साउथ इंडियन होंगे, और साउथ इंडियन ही है। बट भाई वो फिल्म के एक्शन सीन्स देख के पूरा सिस्टम हिल गया मैं। और यार एसआरके में जो चार्म है ना, इतने सालों तक वो चार्म जो कंटिन्यू करके रखा है ना उन्होंने, सच बोलो मेरे को पता है बहुत सारी लड़कियां रणबीर कपूर की फैन है, लेकिन वो चार्म तो रणबीर में भी नहीं है। सही बात है। शिवा, रियल कपल गोल गाइस, रियल RIYAL। पर यार ये रणबीर कपूर धीरे धीरे संजय दत्त सा नहीं लगने लगा है? एवरी मास्टरपीस हैज अ चीप कॉपी। लॉर्ड राजपाल ओपी गाइस। इन अ रीसेंट इंटरव्यू विद विनोद चोपड़ा रिवील्ड हाउ रणवीर सिंह वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ संजू व्हिच वाज फाइनली एसीड बाय रणबीर कपूर, बट रणबीर कपूर डिड अ ग्रेट जॉब। मतलब ऐसा लग रहा था संजय दत्त खुद थोड़े साल पीछे जाके बना रहे हैं। बाकी गाइस रणवीर सिंह मैंने बहुत सारी फिल्म्स का सुना है कि फर्स्ट चॉइस रहता है, हर डायरेक्टर का फर्स्ट चॉइस रणवीर सिंह ही है, बस अपनी बीवी को छोड़ के बेचारा सारी उम्र में जोकर। और रणबीर कपूर ने तो मतलब इतना ओपी परफॉर्मेंस दिया था संजू में कि अभी तक लगता है कि रणबीर कपूर उसी कैरेक्टर में घुसा हुआ है, या तो उन दोनों की पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी, ज्यादा बनते आगे। पापा देख लो, आप ही देख लो। ये थोड़ा वैसा भी लग रहा है जब आप अपने पापा से पूछ के बाहर चले जाओ और मम्मी बोलेगी कि सब पूछ के क्या था, और आप बोल दो ये और मम्मी थोड़े पहले लेंगे। बाकी गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू साइन अप ऑन 1xBet गाइस, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके रजिस्टर करो मेरा प्रोमो कोड यूज करके। कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट जरूर ड्रॉप करें, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में, वहां पे भी जाके फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।